हजम कैसे होती है? तो T4 क्या है, सर्कुलेशन में ज्यादा है, पर एक्टिव फॉर्म क्या है, T3 है. तो पेरिफेरी में क्या होगा, T4 इज कन्वर्टेड इनटू T3 बिकॉज T3 इज मोर एक्टिव. सो हाउ इज इट कन्वर्टेड, विद द हेल्प ऑफ डी आयोडिनेसिस ऑन T4. व्हेन 5 प्राइम 3 प्राइम मोनो डी आयोडिनेस विल एक्ट, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू T3. एंड व्हेन 5 3 मोनो डी आयोडिनेस विल एक्ट, then it is converted into RT3 or reverse T3. So whenever we talk about activity ke terms mein T3 active hai, ratio chahiye hamein 10:1 in terms of activity. So whenever any action of thyroid hormone is required, then in the periphery T4 will be converted into T3 by the action of 5 prime 3 prime mono deiodinase. Next. अब रेगुलेशन कैसे होता है, तो ये तुमने पढ़ा होगा, HPA एक्सेस होता है, हाइपोथैलमो पिट्यूटरी देन द ग्लैंड एक्सेस, लाइक हाइपोथैलमो पिट्यूटरी थायराइड एक्सेस. तो इसमें क्या है, हाइपोथैलमस जो होता है वो हमेशा रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है, वो पिट्यूटरी पे एक्ट करते हैं. जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेंगे या पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे, और फिर उसके बाद थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेंगे, और फिर जो भी एक्शंस होंगे वो प्रोड्यूस होंगे. सो हाइपोथैलेमस पे क्या क्या एक्ट करेगा, हाइपोथैलेमस पे अगर स्ट्रेस या कोल्ड एक्ट कर रहा है, देन हाइपोथैलेमस विल रिलीज TRH और थायराइड रिलीजिंग हार्मोन. दिस विल एक्ट ऑन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, नो एंटीरियर पिट्यूटरी, टू कॉज द रिलीज ऑफ TSH. पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज होता है, ADH और ऑक्सीटोसिन, वो भी कहां बनते हैं, हाइपोथैलेमस में. तो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा TSH एक्ट करेगा थायराइड ग्लैंड पे. और लास्ट टाइम हमने डिस्कस करा था दो स्टेप्स इसके मेन वो होते हैं. फर्स्ट होता है आयोडाइड ट्रैपिंग जो TSH की गवर्न में है, और उसके बाद जो आयोडाइड की ऑक्सीडेशन हो रही है आयोडीन के फॉर्म में, वो वाला स्टेप भी TSH जो होता है वो स्टिमुलेट करता है. सो जब भी कभी स्ट्रेस है या कोल्ड है या फिर T3 T4 कम हो रहा है, हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होगा और वो रिलीज करेगा TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन. दिस विल एक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. दिस विल देन एक्ट ऑन थायराइड ग्लैंड टू रिलीज T3 T4, एंड देन ऑल द एक्शंस विल बी प्रोड्यूस्ड. T3 T4 का रिवर्स, अब इसमें फीडबैक है पूरा, तो पॉजिटिव फीडबैक होगा, TRH पॉजिटिवली स्टिमुलेट कर रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी को, और TSH रिलीज हो रहा है वो स्टिमुलेट कर रहा है थायराइड ग्लैंड को, और T3 T4 प्रोड्यूस हो रहा है. अब जब ये T3 T4 का कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा, देन दिस T3 T4 विल हैव अ नेगेटिव इफेक्ट, नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी ऑल्सो एंड ऑन हाइपोथैलेमस ऑल्सो. So T3 T4 will inhibit the release of TSH from the anterior pituitary, and it will inhibit the release of TRH from hypothalamus. So जैसे homeostasis पढ़ा था starting में एकदम, तो उसमें क्या था, positive feedback और negative feedback. तो अगर कोई चीज किसी को stimulate कर रही है तो वो positive है, और कुछ अगर inhibit कर रही है तो वो negative है. तो जब hypothalamus से TRH release हो रहा है, वो positive act कर रहा है anterior pituitary में, TSH positive act करेगा thyroid पे, तो ये सारा positive feedback loop है. और जब T3 T4 ऐड करेगा तो वो नेगेटिव मैनर में ऐड करेगा, ताकि उसका कंसेंट्रेशन रेगुलेट हो सके. सो T3 T4 विल इनहिबिट द रिलीज ऑफ TSH फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, एंड इट विल आल्सो इनहिबिट द रिलीज ऑफ TRH फ्रॉम द हाइपोथैलेमस. तो ये हमारा पूरा होता है लॉन्ग फीडबैक लूप, हम बोलते हैं लॉन्ग फीडबैक लूप. और शॉर्ट फीडबैक लूप क्या होता है, जब TSH TRH को इनहिबिट करेगा तो वो होता है शॉर्ट फीडबैक लूप. ठीक है, तो ये नेगेटिव फीडबैक. हाइपोथैलेमस से TRH, अगेन इसमें वही है, हाइपोथैलेमस से TRH वो एक्टर है एंटीरियर पिट्यूटरी की सेल है थायरोट्रोप, वो एक्ट कर रहा है थायराइड पे, और फिर T3 T4 रिलीज हो गया, और फिर वही T3 T4 नेगेटिव फीडबैक एड कर रहे हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी को इनहिबिट कर रहे हैं और हाइपोथैलेमस.
next. नाउ इंटर रिलेशन क्या है, सिंपल सा वही रिलेशन है कि थायराइड जो है थायराइड की वजह से फ्री टी फोर, मतलब जब वो टी थ्री टी फोर बनाएगा, अब ये फ्री टी फोर जो होता है वो बाउंड होता है और वो कन्वर्ट हो जाएगा टी थ्री में टू प्रोड्यूस बायोलॉजिकल इफेक्ट्स, और एंटीरियर पिट्यूटरी टीएसएच रिलीज करेगा और वो थायराइड को रेगुलेट करेगा. अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होता है थायराइड का, मतलब जो टी थ्री टी फोर बना, ये तुमने पढ़ लिया होगा, अर्चना मैम ने पढ़ाया था सारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो ब्रीफ में बता रही हूँ. टी फोर और टी थ्री क्या होते हैं, लिपिड कंटेनिंग, तो लाइपोफिलिक होते हैं, सो वो इजिली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे. तो टी फोर और टी थ्री के जो रिसेप्टर्स हैं वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं और सेल मेम्ब्रेन पे नहीं होते, सो दे कैन इजिली क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. और जैसे ही टी फोर टी थ्री क्रॉस करते हैं सेल मेम्ब्रेन को, अगर वो टी फोर के फॉर्म में है तो उस पर आयोडीनेस एड करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा टी थ्री. Finally, T3 will cross the nuclear membrane and it will bind to its own receptor, जो यहाँ पे blue color का बना हुआ है, thyroid hormone receptors. और नीचे क्या है, DNA बना हुआ है. तो अब जैसे ही T3 अपने receptor पे bind करेगा, तो ये receptor क्या होगा, activate हो जाएगा. और DNA पे यहाँ पे होता है hormone response element, HRE, जो यहाँ पे लिखा है thyroid hormone response element. तो वही एच आर ई होता है, वो नॉर्मली क्या होता है, कवर्ड होता है बाय जिंक फिंगर डोमेन्स. सो नॉर्मली द हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट इज कवर्ड बाय जिंक फिंगर डोमेन्स व्हेन इट इज इनएक्टिव. नाउ एज सून एज T3 विल एंटर इनसाइड द न्यूक्लियस एंड इट विल बाइंड विद इट्स रिसेप्टर्स, देन दिस हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट गेट्स एक्टिवेटेड एंड देन द DNA विल अंडरगो इनटू जीन ट्रांसक्रिप्शन. There is formation of mRNA and mRNA will again enter into the cytoplasm to form new proteins. Now, because of these new proteins, action of thyroid hormone will occur. So, main step kya hai? First step yehi hai ki thyroid hormone enters inside the cytoplasm because it is lipophilic. So, it can cross the cell membrane. Then this T4 is converted into T3 with the help of deiodinase, and then there are nuclear receptors, and then the thyroid hormone will bind to these nuclear receptors and the hormone response element will get activated. There will be gene transcription and formation of mRNA, that is DNA will convert into mRNA. mRNA will again enter into the cytoplasm and there will be formation of new proteins by the process of transferase. So mechanism of action इसमें भी वही है, T4 और T3 enter करे अपने thyroid receptor पे bind करेंगे जो कि nuclear membrane पे present है. जैसे ही थायराइड रिसेप्टर पे बाइंड करे T4 और T3, तो ये जो रिसेप्टर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे था वो एक्टिवेट हो गया, वो न्यूक्लियस के अंदर एंटर करेगा. वहां पे जो थायराइड हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट है HRE या फिर TRE वो एक्टिवेट होगा, DNA mRNA में कन्वर्ट होगा, mRNA विल एंटर इनटू साइटोप्लाज्म एंड देयर इज सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटीन्स. अब ये न्यू प्रोटीन्स क्या करेंगे, नंबर वन they will increase the activity of sodium potassium ATPase pump. Second, they increase the proteins for growth and development. Third, they will cause synthesis of other enzyme proteins which will increase the metabolic rate. Then there is increased synthesis of mitochondrial enzyme and increased sympathetic effect. So, agar